हेलो फ्रेंड्स मैं स्नेहा टू माय चैनल फॉर यू एंड द चाइल्ड इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है भारत देश देश एक लोकतांत्रिक है जहां पर हर एक सिटीजन को यानी हर एक नागरिक को जो 18 या 18 साल से ऊपर है उनको ये अधिकार दिया जाता है कि वो अपने देश के नेता को चुने हर पांचवें साल पर हमारे देश में पार्लियामेंट्री जनरल इलेक्शन होते हैं जिसे लोकसभा का इलेक्शन कहते हैं और उसी तरह से हर एक स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जनरल इलेक्शन होते हैं जिसे विधानसभा कहते हैं लोकसभा इलेक्शन में जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को हम वोट देते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी लोकसभा में चुनकर जाता है और जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को मैक्सिमम वोट मिले हैं उसके नेता को प्रेसिडेंट द्वारा प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है उसी तरह से स्टेट लेजिस्लेटिव जनरल इलेक्शन यानी विधानसभा के इलेक्शन में उस राज्य के सिटीजन ने जिस पॉलिटिकल पार्टी को मैक्सिमम वोट दिया है उस पॉलिटिकल पार्टी के नेता को गवर्नर द्वारा चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री के रूप में चुना जाता है वोट यानी मतदान देने का अधिकार हमारे लिए केवल एक अधिकार नहीं बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक उत्तरदायित्व है कि हम सोच समझकर सही कैंडिडेट को अपना कीमती वोट दें जिससे हमारे राज्य की हमारे देश की उन्नति हो इस वीडियो में हम जानेंगे इलेक्शन से जुड़े बहुत सारे इम्पोर्टेंट वर्ड जो आपको अक्सर टीवी में अखबारों में और आम बातचीत में सुनने को मिलेंगे और इलेक्शन के इन टर्म्स को इंग्लिश में क्या कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं इन दोनों को आपको समझना जरूरी है जिससे इलेक्शन के प्रोसेस को आप और अच्छी तरह से समझ सके तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें डेमोक्रेसी तो लोकतांत्रिक यानी वैसा देश जहां पर उसके नेता को चुनने का अधिकार वहां की आम जनता को दिया जाता है कैंडिडेट उम्मीदवार चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो या विधानसभा का इलेक्शन कौन सा कैंडिडेट उस इलेक्शन में उतर रहा है या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके आधार पर आप चुनेंगे कि उस पॉलिटिकल पार्टी या उस नेता को वोट दिया जाए या नहीं वो कैंडिडेट होते हैं मतदान जितने भी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने अपने अपने कैंडिडेट्स इलेक्शन में उतारे हैं इनमें से लोगों को चुनना है कि कौन से कैंडिडेट को वो अपना कीमती वोट देना चाहते हैं किसे वो अपना नेता चुनना चाहते हैं तो इस प्रक्रिया को इलेक्शन यानी चुनाव कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज और उनके कैंडिडेट जनता तक अपनी पॉलिटिकल पार्टी की विशेषता बतलाते हैं जनता को ये भरोसा दिलाते हैं अगर वो उनके द्वारा चुने जाते हैं तो किस तरीके से वो उस राज्य या उस देश की भलाई करेंगे तो अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए वो एक कैंपेन करते हैं एक अभियान चलाते हैं जिसमें चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो सोशल मीडिया हो प्रिंट मीडिया हो भाषण हो या फिर घर घर जाकर हो हर तरीके से वो अपने बारे में अपनी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में लोगों को समझाना चाहते हैं तो इसे हम कैंपेन कहते हैं रैली कैंपेन का ही हिस्सा रैली होती है जिसमें उस पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य रैली निकालकर जुलूस निकालते हुए लोगों तक अपनी बातें पहुंचाते हैं पर्चे बांटते हैं और लोगों से मिलते हैं प्रोपोगेंडा प्रचार ये भी इलेक्शन कैंपेन का पार्ट है जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज अपना प्रचार प्रसार करते हैं लोगों को बताते हैं कि वो चुने जाने पर क्या क्या अच्छे काम देश और जनता के लिए करने वाले हैं स्टोग नारे जब भी इलेक्शन होता है तो बहुत सारे स्लोगन्स नारे पॉलिटिकल पार्टी द्वारा बनाए जाते हैं और ये स्लोगन बहुत ही अच्छा तरीका होता है लोगों तक पहुंचने का जैसे इस बार यूपी इलेक्शन 2022 में भारतीय जनता पार्टी के श्री नरेंद्र मोदी ने ये नारा दिया यूपी प्लस योगी है उपयोगी श्री नरेंद्र मोदी का ये नारा आपको कितना पसंद आया मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग ये वो है जो इलेक्शन से जुड़े हर एक कार्यो पर नजर रखते हैं, हर एक गतिविधियां इलेक्शन कब होगा पोलिंग बूथ कहाँ पे बनेगी जो भी इलेक्शन कैंपेन कैंडिडेट्स द्वारा अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी द्वारा किए जा रहे हैं उसमें कौन कौन सी चीज है वो कर सकते हैं कौन कौन सी चीज वो नहीं कर सकते हैं छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इलेक्शन से जुड़े डू एंड इलेक्शन ही डिसाइड करते हैं कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता और जो भी गाइडलाइंस इलेक्शन कमीशन द्वारा इलेक्शन के दौरान कैंडिडेट्स और पॉलिटिकल पार्टीज को दिए जाते हैं क्या वे कर सकते हैं क्या वो नहीं कर सकते हैं इसे आचार संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाता है जब इलेक्शन की डेट फाइनल हो जाती है हर एक सिटी में पोलिंग बूथ यानी मतदान केंद्र बनाया जाता है जहां पर उस सिटी के लोग जाकर अपना वोट डाल सकते हैं कास्ट द वोट यानी वोट डालना जो भी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में उतरे हैं, उनमें से कौन से पॉलिटिकल पार्टी को आप वोट देना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करना आपका वोट डालना यानी कास्टिंग द वोट कहा सफरेज राइट टू वोट मतदान का अधिकार भारत देश के हर एक नागरिक जो 18 या 18 साल से ऊपर है उनको वोट देने का अधिकार दिया जाता है जिसे आप सफरेज भी कह सकते हैं अगर आप वोट देना चाहते हैं तो आपको अपने लिए वोटर आईडी बनाना पड़ता है आपको भारत के इलेक्शन कमीशन में अप्लाई करना पड़ता है जिससे आपका वोटर आईडी कार्ड बन सके और उसके आधार पर आप अपना वोट डाल सके जब इलेक्शन की डेट आ जाती है तो उसके कुछ समय पहले एक लिस्ट निकाली जाती है जिसमें वो सारे वोटर्स जो 18 या 18 साल से ऊपर है और उन्होंने वोटर आईडी बनवाया हुआ है उनके नामों की लिस्ट होती है से सुनिश्चित किया जाए, ये किया जाए, जाए, कंफर्म जो भी व्यक्ति इलेक्शन के दिन वोटिंग करने आ रहा है उसका नाम उसमें है वो उसी देश या उसी स्टेट का नागरिक है भी वोट डालने की डेट और टाइम दी जाती है वो समाप्त हो जाता है तो उसके बाद वोटों की गिनती शुरू की जाती है एक अनुमान लगाया जाता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कितने वोट से आगे चल रही है कितने वोटों से पीछे चल रही है और एक अंदाजा लगाने की कोशिश की जाती है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी विजेता घोषित होगी तो इस अनुमान लगाने को कहते हैं तो इस अनुमानित नतीजे को कहते हैं एग्जिट पोल्स आपने टीवी में जरूर देखा होगा एग्जिट पोल्स इलेक्शन के बाद स्टार्ट होते हैं हर टीवी में बहसबाजी चलती रहती है तो ये कैंडिडेट ये पोलिटिकल पार्टी इतनी वोटों से आगे चल रही है इतनी वोटों से पीछे चल रही है उम्मीद है कि यही पॉलिटिकल पार्टी जीतेगी क्लियर मेजोरिटी पूर्ण बहुमत जब कोई पॉलिटिकल पार्टी मैक्सिमम वोट से विजयी होकर निकलता है तो उसे कहते हैं क्लियर मेजोरिटी गवर्नमेंट, गठबंधन सरकार कई बार ऐसा होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इतने वोट नहीं मिले होते हैं जिसके आधार पर वो अपना गवर्नमेंट बना सके अपनी सरकार बना सके तो इस स्थिति में दो या दो से अधिक पॉलिटिकल पार्टीज आपस में एक हो जाती हैं और मिलकर ये डिसाइड करती है वो सब एक पोलिटिकल पार्टी के अंदर अपने आप को रिप्रेजेंट करेगी तरह से दो या तीन पॉलिटिकल पार्टी जो आपस में मिल गई है उन दोनों तीनों पॉलिटिकल पार्टी को जितने जितने अलग अलग वोट्स मिले हैं उन सब को काउंट किया जाता है और अगर वे वोट्स इतने हैं कि वो अपना सरकार बना सकती हैं तो ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज एक होकर अपनी सरकार बनाती है और इस तरह की सरकार को कॉलिशन गवर्नमेंट कहते हैं टेक ओथ शपथ लेना जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन के नतीजों के बाद विजेता घोषित किया जाता है तो वे पॉलिटिकल पार्टी अपनी सरकार बनाती है और उसके हरेक मिनिस्टर्स ओथ लेते हैं शपथ लेते हैं जिसमें वो प्रॉमिस करते हैं कि ये जिम्मेदारी जो उनको दी गई है देश और जनता की सेवा करने की वो ईमानदारी पूर्वक निभाएंगे मैनिफेस्टो घोषणा पत्र ये एक तरह का प्रॉमिस होता है जो मेजॉरिटी पार्टी जो गवर्नमेंट बनाने वाली है वो जनता से करती है कि वो सरकार बनाने के बाद किस किस क्षेत्र में क्या क्या उन्नति के काम करेंगे उनकी क्या नीतियाँ हैं क्या उनकी योजनाएँ हैं ये सारी चीज़ें सार्वजनिक रूप से पब्लिक को बताते हैं अपोजिशन पार्टी विपक्षी दल जो पॉलिटिकल पार्टी विजेता बनकर आती है वो अपनी सरकार बनाती है तो उसे कहते हैं पार्टी इन गवर्नमेंट और जो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में जीत नहीं पाती है वो विपक्षी दल के रूप में काम करते हैं जिनकी ये जिम्मेदारी होती है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार बन रही है उनके नेता जो भी उन्होंने प्रॉमिस किया है जनता से उसे पूरा करे अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो अपोजिशन पार्टी यानी विपक्षी दल के नेता करंट गवर्नमेंट पर सवाल उठा सकती उम्मीद करती हूँ इलेक्शन से जुड़े सारे टर्म्स के हिंदी और इंग्लिश मीनिंग आपको समझ में आ गए होंगे और इस वीडियो के द्वारा आपको इलेक्शन प्रोसेस भी अच्छे से समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए शेयर कीजिए और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके भी आप जरूर बताएं। अगर आप किसी विशेष टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो